हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िला लेकर, इंदौर ज़िला। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज अब हम ज़िलेवार जानकारी लेकर आएंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो MPSI हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम ऐसे पूरे 52 ज़िलों के ऊपर एक एक वीडियो लेके आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम देखेंगे इंदौर ज़िला के बारे में, ठीक है। इंदौर ज़िले से जुड़ी हुई सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं इंदौर ज़िला के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक महानगर है। आपको पता है कि इंदौर क्या है, एक महानगर है जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से जो ये है भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है या फिर शहर कौन सा है, तो ये है इंदौर। यह मध्य प्रदेश के सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनी आबादी जो है वो कहाँ पे है, इंदौर ज़िले की है। यहाँ भारत में Tier 2 शहर के अंदर आता है, ठीक है। ये भारत के Tier 2 शहर के अंदर आता है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाती है, ठीक है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वाणिज्यिक राजधानी की बात की जाए तो इंदौर है, और संस्कार राजधानी की या संस्कार धानी की बात की जाए तो जबलपुर को कहा जाता है, ठीक है, जिला जबलपुर। इसके साथ ही यह नगर ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक केंद्र है, ठीक है। क्यों है एक शिक्षा का केंद्र, क्योंकि यहाँ पे IIT IIM दोनों चीज़ें एक ही साथ एक ही शहर पे हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व यह इंदौर रियासत की राजधानी था, ठीक है। भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो जो इंदौर रियासत थी उसकी राजधानी क्या थी, इंदौर ही हुआ करती थी। चलिए देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट कुछ सारे फैक्ट हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इंदौर शहर खान नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर ये पूछ ले कि खान नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो इंदौर शहर है, ठीक है। इंदौर होलकर वंश की राजधानी भी रही है, ठीक है। जो होलकर वंश था उसकी राजधानी भी इंदौर ही थी। इंदौर के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, याद रखिए आप, संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी का जन्म इंदौर के महू में हुआ था। महू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार एग्जामों में पूछी जाती हैं, ठीक है। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1981 में हुआ था। उनकी जन्म स्थिति को चिरस्थायी बनाने के लिए महू में सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये भी पूछा जा सकता है, सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इंदौर में है, ठीक है, महू में। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में है, ठीक है। MP का जो क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है वो है इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय भी इंदौर पे है, ठीक है। जो लोक सेवा आयोग का कार्यालय है वो भी इंदौर पे है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है महू की जानापाव की पहाड़ी से होता है, ठीक है। महू कहाँ पे, इंदौर पे। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इंदौर पर है, ठीक है। होलकर से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंदौर पे, पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ये भी इंदौर में किया जा रहा है। यहाँ राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र 1984 में स्थापित किया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है, राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये भी इंदौर पे है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पे है, इंदौर पे है। राज्य का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पर स्थित है, ये भी इंदौर पे स्थित है। राज्य का शायद एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है जो कि इंदौर पे है। प्रदेश की मौसम वैधशाला इंदौर में स्थित है, मौसम वैधशाला भी कहाँ पे, इंदौर पे स्थित है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर है, ठीक है। औद्योगिक और वाणिज्यिक राजधानी किसको कहा जाता है, MP की, तो इंदौर को कहा जाता है। देश का ऐसा पहला शहर है जहाँ IIT और IIM दोनों स्थित हैं, ठीक है। देश का पहला शहर है, मैंने आपको बताया था शिक्षा के लिए या शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यहाँ पे IIT भी है और IIM, ठीक है, IIM दोनों ही यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। ये देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ पे ये दोनों चीज़ एक साथ मौजूद हैं। देश का पहला डाटा सेंटर पार्क और क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में स्थित है, डाटा सेंटर पार्क और क्रिस्टल IT पार्क भी इंदौर में है। इंदौर जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ, सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला ज़िला और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा, इंदौर है, ठीक है। नेक्स्ट पीतमपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंदौर में महू पीतमपुर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर हैं, क्षेत्र हैं। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग व्यावसायिक वाहन बनाने वाले व उनसे संबंधित उद्योग हैं। इसमें भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, ठीक है, इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार, ठीक है, याद रखिए पूरे इंडिया की बात कर रहा है, भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी इंदौर में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदौर के नाम से 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इंदौर के नाम से 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। कौन कौन से? दुनिया में सबसे बड़ी चाय पार्टी के लिए, ठीक है, दुनिया में जो सबसे बड़ी चाय पार्टी के लिए और सबसे बड़ा बर्गर बनाने के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, इंदौर में ही ये दोनों रिकॉर्ड दर्ज हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चर्चित व्यक्ति। आपको पता है मध्य प्रदेश के एग्जाम में चर्चित व्यक्ति पूछा जाता है कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो उनको भी मैंने लिया हूँ उसमें। चर्चित व्यक्ति जॉनी वॉकर, लता मंगेशकर जी, इनका हाल ही में निधन हो गया, भारत रत्न लता मंगेशकर जी। ठीक है, सलीम खान, सलमान खान, राहत इंदौरी जी जो कि कवि थे, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। शहबाज खान, पलक मुच्छल, राहुल द्रविड़, आपको पता है ये क्रिकेटर हैं जो कि दीवार के नाम से फेमस हैं। पद्मश्री डॉक्टर जनक पल्टा मागिलिंगन जी, ठीक है, पद्मश्री कुट्टी मैनन जी, पद्मश्री सुमित्रा महाजन जी, ठीक है, ये भी अपने यहाँ की राज्यपाल रह चुकी है। पद्म विभूषण पंडित गोकुलोत्सव महाराज जी, ठीक है, ये सारे चर्चित व्यक्ति थे जो कि अपने इंदौर से बिलोंग करते हैं और इंदौर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये था इंदौर जिला। इंदौर जिला में क्या मंदिर हो गए, नदियाँ हो गई, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इंदौर की ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो भी वन लाइनर फैक्ट थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके लिए लेके आया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे आने वाले आपके पटवारी का एग्ज़ाम और MPSI के एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी ऑफ मीडिया।